दोस्तों हमारे पास आया हुआ है सुजुकी SS125 CC। ये जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, कोई भी बाइक या कोई भी स्कूटर में हो सकता है। इसमें बैटरी जो होता है, कस्टमर ने या दो या तीन बैटरी भी नया डाल दिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो स्टार्टर का जो होता है मोटर, वो भी रिपेयरिंग करके देखे, तभी भी नहीं हो रहा था। तो हमारे पास गाड़ी आई तो हमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। जैसे वीडियो मैंने बताया हूँ, सेम प्रॉब्लम अगर बाई चांस आपके पास आया तो हमारे वीडियो देख के आप बहुत इजी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो मेरे पास आया हुआ है सुजुकी SS125 CC। जैसे इसमें प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी गाड़ी में हो सकता है या कोई बाइक में हो सकता है। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे कॉल आता है, कमेंट आता है, बोलते हैं सर हमने ये किए, बैटरी नया डाल दिए, स्टार्टर कार्बन डाल दिए, आर्मेचर भी डाल दिए, तभी हमारी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। बराबर। अब उसके बाद में जो स्टार्टर होता है बाहर निकालेंगे, जैसे मान लो बाहर निकला हुआ है, देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर, मोटर बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट करके लिखिए, तो हमको भी समझ में आएंगे कि आपके इधर बोलते क्या। ये जो होता है इसको हम लोग यहाँ स्टार्टर बोलते हैं, और इसको हमने अभी फिटिंग यहाँ निकाल चुके हुए हैं। अभी इसको हम आपको सेल्फ स्टार्ट के भी दिखा रहा हूँ, जैसे सेल्फ चालू करके, ये देखिए ये सेल्फ चालू है। बराबर। अब इसको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद में बताऊँगा कि आपको इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आपको लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसको हम निकाल दे रहे हैं तो भीड़ से, अब इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ इसमें स्क्रू है, कितना, चार, तीन स्क्रू है, तीनों स्क्रू इसको ओपन करते। अब ओपन करके फिर आपको दिखा रहा हूँ मैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कोई कोई बंदा हमारे पास इसे घड़ी घड़ी कॉल करते हैं, बोलते सर ऐसे हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये गाड़ी हो गया। कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक का स्टार्टर जो होता है मोटर, जो प्रॉब्लम ये गाड़ी में है, कहीं बाई चांस आपके पास आया तो हमारा वीडियो देख के बहुत इजी से आप उसको काम कर सकते हो। लड़का खोल रहा है, इसलिए मैं आपको और भी जानकारी इसमें बता दिया हूँ मैंने। अभी इसको ये देखिए खुल गया, बाहर निकालो, ये देखिए बाहर निकल गया। अभी आपको ये देखिए यहाँ से भी कुछ टूटा हुआ नहीं है, अच्छा एकदम। और ये देखिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर बोलते हैं। अब आर्मेचर बाहर निकालो, ये देखिए आर्मेचर बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से आपको आर्मेचर दिख रहा होगा, ये सब अच्छा दिख रहा है। कार्बन आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन भी अच्छा है, कार्बन कुछ ख़राब नहीं है, देख लीजिए। और आर्मेचर भी देख लीजिए, और यहाँ का ये भी देख लीजिए, अंदर का कहीं टूटा हुआ नहीं है। कभी बाई चांस आपके पास गाड़ी आई, आपकी गाड़ी का आर्मेचर सही है, आपकी गाड़ी का कार्बन सही है, और आपकी गाड़ी का ले अंदर का जो चुम्बक होता है, लोग चुम्बक एक मैग्नेट जिसको बोला जाता है, अगर ये सही है, आपको तीनों सही है, तभी भी आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपने नया बैटरी, एक नहीं दो तीन बैटरी आप नया डाल दिए, तभी भी गाड़ी की सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको चेक करना है स्टार्टर कोई भी गाड़ी का, मैं स्टार्टर बता रहा हूँ कि हमारी गाड़ी का स्टार्टर अच्छा ही ख़राब है। खोलने से पहले हम तो आपको ओपन करके इसलिए बताया कि आप लोग को दिखा दूँ कि नहीं, आप लोग क्या सोचोगे कि हमने आपको अलग बताया कि गलत वीडियो बनाया। तो इसको बगैर खोले, बगैर ओपन किए, ये जो होता है मोटर, जो होता है स्टार्टर, इसको हाथ ऐसे आप लगा के रखोगे, ऐसे हाथ पकड़ के, तो आप इसको पकड़ नहीं सकते, बहुत हीट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। कभी ज़्यादा बहुत हीट हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, तो आपको समझ लेना स्टार्टर जिसको बोला जाता है मोटर 100% ख़राब हो चुका हुआ है, ये रिपेयरिंग नहीं होता है। इसको रिपेयरिंग करने का ज़रूरत मत करना, नहीं तो बाद में क्या, आप रिपेयरिंग करोगे फिर डालोगे फिर नहीं चलेगा, फिर नया बैटरी डाल दिए वापस नहीं चलेगा, तो ये चीज़ रिस्क उठाओ मत। अभी दूसरा चीज़ बताने जा रहा हूँ, कौन सा स्टार्टर समझ लो डालेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अभी हमने नया स्टार्टर जिसको बोला जाता है नया मोटर, वो भी ले आ चुके हुए हैं। अब इसका आप प्राइस देख लीजिए, इसका प्राइस है 1744, 1744। इसका प्राइस है, अब इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं नया, देखिए नया में क्या आता है, ये देखिए
कभी भी आप नया स्टार्टर डालना चाहिए तो आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये देखिए स्टार्टर ओरिजिनल कंपनी का है और दूसरा वाला स्टार्टर देख रहा हूँ, इसका जो साइज होता है अभी साइज से कंपनी ने छोटा कर चुके हुए हैं। ये देखिए कितना छोटा कर दिया, बहुत छोटा हो चुका हुआ है। यहाँ एक साइज देखिए और ये साइज देखिए। अब ये नया स्टार्टर है, अब इसको हम आपको स्टार्ट करके तो मोटर पे नहीं बताया था अंदर, तो मैं आपको बाहर बताया था। अभी मैं बाहर इसको अंदर लगा रहा हूँ, यहाँ से बाहर इसको चेक करा दे रहा हूँ आपको कितना इसका जो स्पीड होता है थोड़ा अलग होता है। अभी हमने सॉकेट में लगा चुके हुए, अब इसको दिखाता हूँ मैं स्पीड। देखिए इसका, ये देखिए इसका जो स्पीड होता है उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो गया हुआ है। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आपको सुजुकी एक्सेस का नहीं मिला है तो आप जो डीओ गाड़ी होता है होंडा का उसको भी लगा सकते हो, एक्टिवा का भी लगा सकते हो। थोड़ा इसका जो होता है ऊपर का थोड़ा अलग आता है और यहाँ का फिटिंग यहाँ फिटिंग बराबर आता है। देखिए स्टार्टर हमने मोटर फिटिंग कर चुके हुए आपको दिख रहा होगा, अभी इसको हम स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी के। देखिए स्टार्ट करो, हमने इसमें कम से कम दो तीन बैटरी लगा के देखे तभी भी